भाजपा सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू दुर्ग प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। इस दौरान दुर्ग ग्रामीण और शहर के विधायक भी मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के दुर्ग में प्रथम आगमन पर जिला भाजपा द्वारा शनिवार को दुर्ग के बीआईटी कॉलेज के सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान दुर्ग के सर्किट हाउस में सलामी दी गई, जिसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस वार्ता में चर्चा की। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के केंद्रीय बजट पर बुद्धिजीवी वर्ग से बजट संवाद में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर और शहर विधायक गजेंद्र यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर केंद्र सरकार द्वारा पेश की गई बजट पर भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। विकास योजना के माध्यम से 6300 गाँव के 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, उनके लिए भी योजना लागू होगा। ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ योजना शुरू की जा रही है। इससे अब मुफ्त में बिजली तो मिलेगी ही, शेष बिजली का विक्रय करके हमारे किसान भाई, हमारे ग्रामीण जन, हमारे शहरी आबादी में रहने वाले लोग अतिरिक्त आमदनी कमा सकते हैं। 1 करोड़ युवाओं को सिर्फ 5 कंपनियों में इंटर्नशिप दी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए प्रेस वार्ता के बाद मीडिया के सवालों से घिरे मंत्री ने पूछे गए सवालों पर अज्ञानता जताई, साथ ही किसानों की जमीनों पर गैस पाइपलाइन बिछाए जाने और किसानों को मुआवजा दिए जाने की बात पर जानकारी नहीं होने की बात कही। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंत्री ने खराब सड़क होने का ठिकरा कांग्रेस सरकार पर ही मढ़ दिया और कहा, पिछले 5 वर्षों से कांग्रेस की सरकार रही, अब हमारी सरकार आई है, जबकि पिछले 15 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार रही है। सुनिए वीडियो में मंत्री जी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू हो गई है, 4.0 सभी गांव को जोड़ने का काम होगा। यदि आप मुझे बता दिए है किसको मुआवजा नहीं मिला है, स्पेसिफिक रूप से बता दीजिए मुझे। क्या आप तो मैं अधिकारी आपको जानकारी नहीं दे रहे, राज्य सरकार आपको जानकारी नहीं दे रही है, उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, भटक रहे किस किसान को नहीं मिला मुझे बताइए ना भाई। पूरे क्षेत्र के किसानों को नहीं मिल रहा, जिन क्षेत्र कौन से गाँव के किसको नहीं मिला है, तो मैं उसके लिए कलेक्टर से बात करूंगा, अपने मुख्यमंत्री जी से, अपने केंद्र से बात करूंगा। यदि किसी कोई किसान मेरे पास, तो अभी तक किसी का चिट्ठी पत्रिका कुछ भी नहीं आया, आप मुझे बता दीजिए, मैं मुआवजा यदि नहीं मिला है तो देने का दिलवाने का। दोषी होंगे तो कार्रवाई करेंगे सबके ऊपर, जो भी गलत करेगा जेल जाएगा। नीति आयोग बना है तो पूरे देशवासियों के लिए संघीय ढांचा है, इस संघीय ढांचा में केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर के काम करना होता है। यदि हम सब चाहते हैं कि विकास हो, सभी सेक्टरों पर केंद्र और राज्य सरकार की सहमति से कोई काम हो, तो इससे देश का विकास होगा। जरूरतमंद के जो लोग हैं उनके पास शासन की योजना पहुंचेगी, उनको आना चाहिए। लेकिन लेकिन जो ममता बनर्जी है, विपक्ष की नेता है, मुख्यमंत्री है, उन किस तरीके से देखते हैं, क्या विपक्ष को दबाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबको साथ में लेकर के चलने वाली पार्टी है, सबका सम्मान करती है। किसी बात को लेकर के इस तरह से प्रोपोगंडा करना उचित नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी सबका सुनते हैं, सभी क्षेत्रों के विकास के लिए चिंता करते हैं। एक कहावत है, जाके पैर न फटे बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आए। जिसके पैर में बेवाई फटा होता है वही उसके दर्द को जानते हैं। मोदी जी गरीब के बेटे हैं, इसलिए गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए सरकार योजना बना रहे हैं। मैं बता देता हूँ, प्रधानमंत्री आवास पहले बार इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो गरीब के बेटे हैं, उन्होंने गरीब के दर्द को समझा और पक्की मकान बनाने की योजना बनाई। 4 करोड़ आवास जनता को पहले ही समर्पित कर चुके हैं। 3 करोड़ आवास के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। आने वाले 5 साल में हम
3 करोड़ आवास अभी से स्वीकृतियाँ चालू हो गई है। हम बढ़ाएंगे, जरूरतमंदों की सेवा करना भारतीय जनता पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ कर रही है। दुर्ग जिले में और आदेश ये पारित ये हुआ है, आदेश ये हुआ है कि सभी प्लांट जो है प्लांट को निरस्त कर करके पट्टा जो है आपके संज्ञान में ला रहे हैं। इस विषय की जा रही है, आपने जैसा मुझे बताया, मैं बातचीत करूंगा हमारे जिले के पदाधिकारी, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे विधायक लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं इस संबंध में जानकारी लूंगा। दिल्ली में जो है पिछले 5 साल से कांग्रेस सरकार रही, कभी उन्होंने सड़कों की तरफ कोई ध्यान दिए नहीं। अब हमारी सरकार आ गई, अब हम उसे बनाएंगे। 15 साल आपकी सरकार। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।